निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन मेरी बात इसमें रखी थी। मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई हूं। गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के बाद का ये वीडियो इस वक्त उत्तर प्रदेश की हकीकत बताने को काफी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी वीडियो में साफ दिख रहे हैं। सामने बैठे लोग मनीष गुप्ता के परिवार के हैं। डीएम साहब खुद को बड़ा भाई बताकर नसीहत देते हैं, मेरे पुलिस वालों पर मुकदमा मत करिए, क्या होगा मुकदमा करके। एक बार मुकदमा हो गया तो सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में। डीएम साहब के बगल में बैठे हैं एसएसपी विपिन टाडा, यूपीएससी वाले आईपीएस। जब नौकरी में सिलेक्शन हुआ होगा तो बड़े ताव से कहा होगा समाज के हर गरीब को न्याय दिलाएंगे। अब शब्द सुन लीजिए, कह रहे हैं पुलिस वालों पर मुकदमा मत कीजिए। पुलिस वालों की आपसे कोई जाति दुश्मनी थोड़े थी, कप्तानी की बेशर्मियत इतनी है कि कह रहे हैं कि जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी तब तक उन पुलिस वालों को नौकरी में नहीं आने देंगे, दोषी होंगे तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन बस पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा मत करिए। उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे अपडेट कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए, आप साफ समझ। इसी वीडियो में मनीष की पत्नी मीनाक्षी कहती है कि मुझे उनकी नौकरी जाने से मतलब नहीं है, अगर ऐसा है तो अब जान के बदले जान चाहिए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए, आप साफ समझ। ये आक्रोश साफ है एक महिला का जिसके बेगुनाह पति को पुलिस ने बेवजह हिरासत में लिया, पीट पीट कर मार डाला, और अब उसी महिला से कह रहे हैं कप्तान कि आप मुकदमा मत लिखवाइए, केस हो गया तो कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। मनीष की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो साफ बताती है कि मरने से पहले उनके साथ नृशंसता से पिटाई की गई थी। मनीष के सिर पर, चेहरे पर, शरीर पर चोटों के निशान है। ये बताया जा रहा है कि मौत की वजह पुलिस की पिटाई ही लग रही है, लेकिन कप्तान और डीएम तो कह रहे हैं मुकदमा मत कराइए, पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, बर्खास्त किया है। निजाम के शहर में हुए इस कांड पर लीपापोती कितनी है इसे इस बात से समझ लीजिए कि कप्तान साहब ने दो दिन पहले ही कहा था कि मौत तो चेकिंग के दौरान हड़बड़ाहट में गिरने से हुई। पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। ये बाइट सुनकर लगेगा कि अगर मौत हादसा थी तो दबाव में पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा क्यों लिखा गया। मनीष की पत्नी का आरोप है कि अगर मारने वाले सभी पुलिसकर्मी थे तो तीन को नामजद बनाकर तीन को अज्ञात क्यों बनाया गया, पुलिस वाले अज्ञात कैसे हो गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मरने से पहले पिटाई की गई थी। एसएसपी साहब को जवाब देना होगा कि ये क्यों कहा गया कि मौत हड़बड़ाहट में गिरने से हुई थी। कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। हालांकि उत्तर प्रदेश की तारीख में अफसरों ने सीएम की सरकार पर थूथू कराने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। हाथरस में देर रात रेप पीड़िता की छिपकर जलाई गई लाश, किसानों को पीटने के लिए महकमा लेकर पहुंचे अफसर, और गोरखपुर में एक व्यापारी की जान लेने वाली पुलिस के पीछे सरकार कटघरे में खड़ी है। बुलडोजर की संस्कृति पर खतरा है। एनकाउंटर वाली सरकार के अफसर इस बार खुद मुकदमे के अपराधी बनकर एफआईआर में दर्ज हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है।